ओम श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। हम हर रोज़ अपने चैनल पर आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शाम के किस समय में भ्रमण पे निकलती हैं माँ लक्ष्मी। अगर आप भी ये समय जान जाएं तो आप माँ लक्ष्मी को अपने घर बुला सकते हैं दोस्तों, और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिससे पहले हम आपको ये अद्भुत जानकारी दें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों चलिए अपने विषय पर हम पुनः वापिस आते हैं। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी जिस घर पर अपनी कृपा बरसा दें वहाँ कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी दो लोगों के घर भूल से भी नहीं जाती हैं। दोस्तों आइए जानते हैं इसी विषय के बारे में। वराह पुराण के अनुसार देवी देवता शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदोष काल के दौरान भ्रमण करते हैं। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी और दरिद्रता शाम के 7 बजे से रात को 9 बजे तक भ्रमण पर एक साथ निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के घरों का मुख्य द्वार हमेशा गंदा रहता है माँ लक्ष्मी उनके घरों में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसे लोगों को अपने मुख्य द्वार की सफाई रखकर वहाँ दीपक जलाना चाहिए, इसके साथ जल छिड़क कर रंगोली भी बनानी चाहिए। दोस्तों यदि वीडियो आपको अब तक अच्छी लग रही हो तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते रहेंगे। चलिए विषय पर वापस आते हैं। जो लोग सूर्य उदय होने के बाद भी चादर तान कर सोते रहते हैं उनके घर कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। इसी के साथ जिस घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई रहती हो उस घर में भी माँ लक्ष्मी जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि माँ लक्ष्मी को शांत वातावरण पसंद आता है। इन दोनों लोगों के घरों में माँ लक्ष्मी के बजाय हमेशा दरिद्रता वास करती हैं, यानी कि अलक्ष्मी, जो घर की सुख समृद्धि को तबाह कर देती हैं। इसलिए दोस्तों याद रखें कि माँ लक्ष्मी को अपने घर में यदि आप बुलाना चाहते हैं तो आप घर में घर के मुख्य द्वार पे शाम को दाएं ओर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और चाहें तो एक पानी के कलश में थोड़ा गंगा जल डाल के और पानी से भर के उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। ये भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न है और माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। लेकिन ये दो चीज़ें जो बताई इनका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में जाती हैं माँ लक्ष्मी नहीं, और ये दो उपाय करेंगे जो हमने बताया तो आपके घर उस समय जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती हैं तो वह आकर्षित होंगी और आपके घर में जाके विराजमान जरूर होंगी। दोस्तों यदि आपको भी ये वीडियो इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।